Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today, along with the letters, we are going to start comprehension passages. So we'll read letter number 4 and comprehension passage number 1 from English grammar and composition. This is our letter number 4. Write a letter to your mother about the test you have just taken. अपनी वालदा को हाथ लिखें उस टेस्ट के बारे में जो आपने अभी दिया है. We discussed the letter pattern yesterday, so I won't repeat it. Dear mother, I am sorry I did not write to you earlier. आप कुछ बच्चों की बुक्स पे write के बाद to नहीं लिखा होगा, उसको लिख लें. मैं माजरत हाँ हूँ कि मैंने आपको इससे कबल हत नहीं लिखा. As I was busy preparing for my test of physics. अगर physics का peak capital letters में है तो इसको small letter में कर लें. क्योंकि मैं फिज़िक्स के टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ था या थी. इट वॉज़ हेल्ड यस्टरडे, ये कल मुनक्कद हुआ था. माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, परफॉर्मेंस कारकर्दगी, सेटिस्फैक्ट्री इत्मीनान बख्श या तसल्ली बख्श. टेस्ट में मेरी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है. आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मैं उम्मीद करता या करती हूँ कि मेरे पूरे इसमें पूरे नंबर आएंगे. I attempted 11 questions. मैंने 11 सवालात हल किए. The answer to the one question was wrong. एक सवाल का जवाब गलत था. But it was an extra question. लेकिन ये extra question था. I hope that you are satisfied with my explanation now. Satisfied, मुतमईन, explanation, वजाहत. मैं उम्मीद करता ये करती हूँ कि अब आप मेरी वजाहत से मुतमईन होंगी. Pay my regards to everyone at home. रिगार्ड्स, अदाब, घर में मौजूद हर एक को अदाब कहें. योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा या आपकी प्यारी. नेक्स्ट इज़ आवर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 1. बट बिफोर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन उर्दू इज़ कॉल्ड तफहीमी अबारत, मीन्स इन इंग्लिश इट वुड बी अंडरस्टैंडिंग. जो आपको दिया पैसेज दिया गया है, अबारत या पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए. विद योर इंटेलेक्ट आपने देखना है कि उसमें क्या बात कही गई है और आपने उससे क्या अंडरस्टैंड किया है. सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द रूल्स टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. पहले देखते हैं कि इसको कौन से रूल्स हैं कि जो हमने वी हैव टू कीप इन माइंड, हमने अपने जहन में रखने हैं इसको सॉल्व करते हुए. नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस. अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लास्ट पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन जिस टेंस में पूछे गए हैं उसी टेंस में आंसर देने हैं. अगर पास्ट में है पास्ट में आंसर दें, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में दें, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में देंगे हम. अगर टेंस चेंज कर देंगे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत है. यूज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मीन्स आपने ही शी इट दे यूज़ करने हैं. इसके अलावा पैसेज में जो आप प्रोनाउन यूज़ किया गया है आपने भी वही प्रोनाउन यूज़ करना है आंसर्स में. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पैसेज में किसी जानवर के लिए ही शी का वर्ड यूज़ किया गया है तो आप भी आंसर में उसके लिए ही शी का प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, इट नहीं करेंगे यूज़. इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पैसेज में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बूढ़े आदमी का जिक्र हो रहा है और बूढ़ा आदमी कहता है द ओल्ड मैन सेड आई एम टायर्ड, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, ओल्ड मैन ने क्या कहा, तो आप बच्चे लिखते हैं सिंपली लिख देंगे आई एम टायर्ड. तो इसका मतलब होगा कि आप थके हुए हैं ना कि ओल्ड मैन. तो आपने लिखना है द ओल्ड मैन सेड आई एम टायर्ड या द ओल्ड मैन सेड दैट ही वॉज टायर्ड. Do not give detailed answer. अब आपको जो कॉम्प्रिहेंशन पैसे दिया जाता है वो ऑलरेडी जो है वो छोटा सा होता है. अब आप उसमें से भी किसी एक सवाल का जवाब 3-4 लाइनों का लिख देंगे तो बाकी सवालात कहाँ जाएंगे. तो आपने उसका कोई भी एग्जांपल्स या डिटेल्स उसमें ऐड नहीं करनी, ब्रीफ सा मुख्तसर सा जवाब देना है आपने. एक्स्ट्रा लिखेंगे तो गलत है. डू नॉट यूज़ योर नॉलेज अबाउट द पैसेज. अब आपको अगर उस पैसेज के बारे में पहले से कुछ पता है तो उस नॉलेज को इस्तेमाल ना करें. जो पैसेज में दिया गया है सिर्फ उसी तक महदूद रहें. एक्स्ट्रा नहीं लिखें, जो आपको खुद से पता है वो नहीं लिखें. इसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब ही है कि जो
पैसेज में बयान किया गया है उसको अंडरस्टैंड करके, उसकी उसका फहम या अंडरस्टैंडिंग हासिल करके आपने उसके जवाब देने हैं. दिस इज़ आर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व कर रहे होते हैं तो पढ़ने के दौरान आप खुद से क्वेश्चन किया करें कि अच्छा ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ. तो इसके लिए फिर इस तरह आपको आंसर करने में आसानी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंगरी. अब आपने ये लाइन पढ़ी तो आप पूछें अच्छा उसने क्या फील किया. व्हाट डिड द वुल्फ फील, उसने क्या फील किया. ही फेल्ट, द वुल्फ फेल्ट हंगरी. इस तरह उससे क्वेश्चन करें. सो लेट्स रीड. वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंगरी. एक दिन भेड़िए ने भूख महसूस की. ही वॉन्टेड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा. बट ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट. लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला. एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर. पास्चर चुरागा, ग्रेजिंग चरते हुए, फ्लॉक रेवड़. आखिरकार उसने एक चुरागा में भेड़ों के रेवड़ को चरते हुए देखा. ही वॉन्टेड टू ईट वन. वो एक शीप को खाना, एक भेड़ को खाना चाहता था. बट देवर गार्डिड बाय अ हाउंड. हाउंड शिकारी कुत्ता. एंड गार्डिड रखवाली करना. लेकिन एक शिकारी कुत्ता उनकी रखवाली किए हुए था. द शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली. शेफर्ड चरवाहा, टेंडिंग अगेन रखवाली करना या निगरानी करना. विजिलेंटली होशियार होकर, होशमंदी से, चौकस होकर. चरवाहे का बेटा बी रेवड़ की निगरानी कर रहा था चौकस होकर, चौकन्ना होकर. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. बेयारो मददगार. भेड़िए ने खुद को बेयारो मददगार पाया. एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान. आखिरकार उसे एक तदबीर सूझी. ही हिट हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक. उसने खुद को भेड़ की खाल में छुपा लिया और बहफाजत रेवड़ में शामिल हो गया या घुस गया. द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गाइज. इन डिस्गाइज बेस. शिकारी कुत्ता या शिकारी कुत्ते को बेस में भेड़िए का पता ना चला. ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट. उसने एक शीप को मारा और उसे खा लिया बिना पकड़े जाने के. इन दिस वे, इस तरह ही एट अप मैनी शीप. उसने बहुत सी भेड़ें खा लीं. शीप का प्लूरल भी शीप है इसलिए शीप्स नहीं लिखेंगे आप. इस तरह उसने बहुत सी भेड़ें खा लीं. एंड दियर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे. टू फॉल मीन्स कम होना. और उनका उनकी तादाद हर रोज़ कम होना शुरू हो गई. द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड. चरवाहा बहुत परेशान था. बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ. लेकिन चोर का पता ना चला सका. ये पैसे ही था. अब इसके लास्ट पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके आंसर भी आपकी बुक पे मौजूद है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट. अब देखें ये क्वेश्चन जो है डिड इसमें यूज़ हुआ है. मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट में है. हम जब इसका आंसर देंगे तो हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. और अगर हमने नेगेटिव में जवाब देना है तो फिर हम डिड के साथ, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे. अब व्हाई डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट. द वुल्फ वॉन्डर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. वह खुराक की तलाश में घूमा. डिड ही फाइंड एनी थिंग टू ईट. अब इसका, अब भेड़िए को कुछ भी खाने को नहीं मिला था तो इसका नेगेटिव में जवाब देंगे तो डिड नॉट आ जाएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. नो, ही डिड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट. अब देखें पैराग्राफ में भेड़िए के लिए जानवर है. ही का वर्ड यूज़ किया गया है तो हम भी इसका के लिए ही का प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस. वो क्यों हेल्पलेस था. उसे खाने को कुछ नहीं मिला था या क्या हुआ था. द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय अ हाउंड. क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था. वहाँ पर शिकारी कुत्ता था. अगर वो जाता तो वो उसे पकड़ लेता इसलिए वो हेल्पलेस था. शिकारी भेड़िया बेयारो मददगार था क्योंकि रेवड़ की निगरानी एक शिकारी कुत्ता कर रहा था. रेवड़ की निगरानी एक शिकारी कुत्ते ने की. ही पुट सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक. वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ, कैसे घुसा. ही पुट ऑन द शीप ऑफ सॉरी ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप
वो उसने एक बेड़ की खाल पहनी, पुट ऑन पहनी, एंड वेंट इन टू द फ्लॉक अनचेक्ड, बिना रोक टोक के, और बिना रोक टोक के रेवड़ में घुस गया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई वॉज द शेफर्ड वरीड, शेफर्ड क्यों परेशान था। द शेफर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगैन टू फॉल एवरी डे, क्योंकि उसकी भेड़ें जो थी वो दिन ब दिन कम हो रही थी, इसलिए। डिड ही फाइंड आउट द थीफ, नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ। दिस वॉज आर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर वन एंड लेटर नंबर फोर, एंड टुडेज असाइनमेंट इज लर्न एंड प्रैक्टिस लेटर एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे दोनों की, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द आंसर should be in the same tense. Students generally make these mistakes. So that's why I'm repeating it. Allah Hafiz.